हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी योर नॉलेज। मैं हूं आपका दोस्त विशाल। आज हम कवर करेंगे 15 और 16 अक्टूबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। चलो फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। तो वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? 14th अक्टूबर, 15th अक्टूबर, 16th अक्टूबर, 17th अक्टूबर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 15th अक्टूबर। वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे हर साल इंडिया के 11th प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बर्थ एनिवर्सरी को मार्क करने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। डॉक्टर कलाम वाज बोर्न ऑन अक्टूबर 15, 1931। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू कुवैत। तो कुवैत में इंडिया के नेक्स्ट एम्बेसडर के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? सीवी जॉर्ज, अवतार सिंह, डॉक्टर अदर्स वाइका, मुस्तफिजुर रहमान। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डॉक्टर अदर्स वाइका। डॉक्टर अदर्स वाइका हैज़ बीन अपॉइंटेड इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू कुवैत। तो डॉक्टर अदर्स वाइका को कुवैत में इंडिया के नेक्स्ट एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया गया है। रिसेंटली सम इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, अमित कुमार इंडियाज एम्बेसडर टू रिपब्लिक ऑफ कोरिया, नीता भूषण हाई कमिश्नर इंडियाज टू न्यूजीलैंड, संजीव कुमार सिंह इंडियाज एम्बेसडर टू नेपाल, विक्रम दोराई स्वामी हाई कमिश्नर इंडियाज टू यूनाइटेड किंगडम, सुधाकर दलीला इंडियाज एम्बेसडर टू भूटान। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च माँ भारती के सपूत वेबसाइट फॉर दी आर्म फोर्स बैटल कैजुअल्टी वेलफेयर फंड। तो आर्म फोर्स बैटल कैजुअल्टी वेलफेयर फंड के लिए माँ भारती के सपूत वेबसाइट किसने लॉन्च की है? नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, द्रौपदी मुर्मू। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है राजनाथ सिंह। यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज़ लॉन्च माँ भारती के सपूत वेबसाइट फॉर दी आर्म फोर्स बैटल कैजुअल्टी वेलफेयर फंड इन न्यू दिल्ली। तो यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने न्यू दिल्ली में आर्म फोर्स बैटल कैजुअल्टी वेलफेयर फंड के लिए माँ भारती के सपूत वेबसाइट लॉन्च की है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनोग्रेटेड ए सुपर कंप्यूटर फैसिलिटी परम कामरूपा एट विच IIT। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने किस IIT में सुपर कंप्यूटर फैसिलिटी परम कामरूपा का इनोग्रेट किया? IIT गुवाहाटी, IIT मुंबई, IIT रुड़की, IIT दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है IIT गुवाहाटी। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनोग्रेटेड ए सुपर कंप्यूटर फैसिलिटी परम कामरूपा एट IIT गुवाहाटी। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने IIT गुवाहाटी में सुपर कंप्यूटर फैसिलिटी परम कामरूपा का इनोग्रेट किया। द परम कामरूपा वन ऑफ इट्स काइंड सुपर कंप्यूटर इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन विल बी एबल टू कंडक्ट एडवांस रिसर्च इन वेरियस साइंटिफिक फील्ड। तो परम कामरूपा नॉर्थ ईस्ट रीजन में वन ऑफ इट्स काइंड सुपर कंप्यूटर है। ये वेरियस साइंटिफिक फील्ड में एडवांस रिसर्च को कंडक्ट कराने के लिए एबल होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 17th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन विल बी हेल्ड इन विच सिटी। तो 17th प्रवासी भारतीय दिवस किस सिटी में हेल्ड किया जाएगा? जयपुर, जम्मू, श्रीनगर, इंदौर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है इंदौर। द 17th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन विल बी हेल्ड इन इंदौर। तो 17th प्रवासी भारतीय दिवस इंदौर में आयोजित किया जाएगा। द प्रवासी भारतीय दिवस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन द 9th ऑफ जनवरी टू मार्क द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द ओवरसीज इंडियन कम्युनिटी टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो प्रवासी भारतीय दिवस हर साल इंडिया की डेवलपमेंट के लिए प्रवासी भारतीय कम्युनिटी के कॉन्ट्रीब्यूशन को मार्क करने के लिए 9th जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द सेकंड इंडियन प्लेयर टू विन गोल्ड इन मैन्स 10 मीटर एयर राइफल इवेंट इन द IWSF वर्ल्ड चैम्पियनशिप इन अक्टूबर 2022। तो अक्टूबर 2022 में IWSF वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मैन्स 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल जीतने वाले इंडिया के सेकंड प्लेयर कौन बन गए हैं? अभिनव बिंद्रा, रुद्रांश पाटिल, दीपक दहिया, राजीव कुमार।
तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है रुद्रांश पाटिल। रुद्रांश पाटिल हैज बिकम द सेकंड इंडियन प्लेयर टू विन गोल्ड इन मैन्स 10 मीटर एयर राइफल इवेंट इन द IWSF वर्ल्ड चैंपियनशिप इन अक्टूबर 2022। तो रुद्रांश पाटिल अक्टूबर 2022 में IWSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में मैन्स 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड जीतने वाले इंडिया के सेकंड प्लेयर बन गए हैं। फर्स्ट प्लेयर थे अभिनव बिंद्रा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी वॉन द ओवरऑल वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022। तो वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड किसने जीता है? मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हैदराबाद। हैदराबाद हैज़ वॉन द ओवरऑल वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022। तो हैदराबाद ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंटिस्ट हैव फाउंड ए न्यू इकोसिस्टम द ट्रैपिंग जोन इन विच कंट्री। तो साइंटिस्ट ने किस कंट्री में द ट्रैपिंग जोन न्यू इकोसिस्टम फाउंड किया है? ऑस्ट्रेलिया, जापान, थाईलैंड, मालदीव्स। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मालदीव्स। साइंटिस्ट हैव फाउंड ए न्यू इकोसिस्टम द ट्रैपिंग जोन इन मालदीव्स। तो साइंटिस्ट ने मालदीव में द ट्रैपिंग जोन न्यू इकोसिस्टम फाउंड किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ बल्क ड्रग पार्क इन विच सिटी। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किस स्टेट में बल्क ड्रग पार्क की फाउंडेशन स्टोन रखी है? उत्तराखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हिमाचल प्रदेश। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ बल्क ड्रग पार्क इन हिमाचल प्रदेश। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में बल्क ड्रग पार्क की फाउंडेशन स्टोन रखी है। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला समर में, धर्मशाला विंटर में। हिमाचल प्रदेश फाउंड हुआ था 25 जनवरी 1971 को। हिमाचल प्रदेश के CM हैं जयराम ठाकुर और गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अब्दुल लातिफ रशीद इलेक्टेड एज ए प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो अब्दुल लातिफ रशीद किस कंट्री के प्रेजिडेंट इलेक्ट किए गए हैं? पोलैंड, इराक, ईरान, कुवैत। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है इराक। अब्दुल लातिफ रशीद इलेक्टेड एज ए प्रेजिडेंट ऑफ इराक। तो अब्दुल लातिफ रशीद इराक के प्रेजिडेंट इलेक्ट किए गए हैं। न्यू PM एंड प्रेजिडेंट ऑफ कंट्रीज इन न्यूज़ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ UK लिज ट्रस, न्यू प्रेजिडेंट ऑफ केनिया विलियम रूटो, PM ऑफ पापा न्यू गैनी जेम्स मरप्पे, शेख मोहम्मद सब अल सलीम न्यू PM ऑफ कुवैत, दिनेश गोना वर्देना न्यू PM ऑफ श्रीलंका, रनिल विक्रम सिंघे प्रेजिडेंट ऑफ श्रीलंका। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट इराक। तो इराक की कैपिटल है बगदाद, इराक की करेंसी है दिनार, इराक के प्रेजिडेंट अभी अपॉइंट हुए हैं अब्दुल लातिफ रशीद और इराक के PM हैं मोहम्मद शिया अल सुदानी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में इंडिया का रैंक क्या है? 105th, 106th, 107th, 111th। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 107th। इंडियाज रैंक 107 आउट ऑफ 121 कंट्रीज ऑन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में इंडिया के रैंक 107 है आउट ऑफ 121 कंट्रीज। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में इंडिया का रैंक था 101 आउट ऑफ 116 कंट्रीज। इंडियाज़ रैंकिंग इन डिफरेंट इंडेक्स 2022 वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 136th। टॉप में तीन कंट्रीज थी फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड और बॉटम में थी अफगानिस्तान। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 इंडिया का रैंक था 150th और टॉप वाली कंट्री थी नॉर्वे और बॉटम वाली कंट्री थी नॉर्थ कोरिया। ग्लोबल इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 में इंडिया का रैंक था 180th, टॉप में कंट्री थी डेनमार्क और बॉटम में कंट्री थी इंडिया। हमारा
ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 में इंडिया का रैंक था 132 और टॉप में कंट्री थी स्विट्जरलैंड और बॉटम में कंट्री थी साउथ सूडान। तो आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की वीडियो बस इतने तक की थी। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा। मिलता है विशाल फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।